लिनक्स फाइल सिस्टम के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं उबंटू 10.04 का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम यह मान रहे हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत कैसे करना है ये आपको पता है तथा कमांड्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। अगर इसके बारे में जानना है तो यह दूसरे ट्यूटोरियल में मौजूद है जो http://spoken-tutorial.org पर उपलब्ध है। यह भी ध्यान दें कि लिनक्स केस सेंसिटिव है। इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किए गए कमांड लोअर केस में हैं तथा जो नहीं है उन्हें बताया गया है। लिनक्स में लगभग सब कुछ एक फाइल है, तो फाइल क्या है? वास्तव में हम जानते हैं कि फाइल वो होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जमा करके रखते हैं। उसी तरह लिनक्स में भी फाइल जानकारी संग्रहित करने के लिए एक जगह होती है। अब डायरेक्टरी क्या है? एक डायरेक्टरी को बहुत सारी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज का संग्रह माना जा सकता है। एक डायरेक्टरी हमें अपनी फाइल्स को व्यवस्थित रूप में संगठित करने के लिए मदद करती है। यह वही है जिन्हें हम विंडोज में फोल्डर कहते हैं। लिनक्स में अलग अलग यूजर्स अपनी डायरेक्टरी के साथ फाइल्स रख सकते हैं जिसे दूसरे व्यक्ति रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। वैसे भी यदि डायरेक्टरीज ना होती तो सिस्टम की सारी फाइल्स को अलग अनोखे नाम देने पड़ते जिनको बनाए रखना बहुत ही कठिन होता। हालांकि फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए ये परिभाषा उनके बारे में जानकारी देने के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ यही इनके लिए पूरी तरह से सही नहीं है। फाइल का एक नाम होता है, उसके कंटेंट्स के साथ साथ कुछ प्रशासनिक जानकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन जो कि उस फाइल की रचना या रूपांतरण दिनांक और उसके पहुंच की अनुमति के बारे में भी जानकारी रहती है। ये जानकारी फाइल के आईनोड में संरक्षित रहती है जो कि फाइल सिस्टम में एक विशेष डेटा का खंड है और जो फाइल की लंबाई और स्थान भी संरक्षित रखता है। सिस्टम फाइल की आईनोड नंबर को इस्तेमाल करता है। हमारी सुविधा के लिए यह डायरेक्टरी आकर फाइल को नाम देती है क्योंकि हमें नंबर से ज्यादा नाम याद रखने में आसानी होती है। डायरेक्टरी की अति सरल परिभाषा का विरोध करते हुए ये कहा जा सकता है कि एक डायरेक्टरी वास्तव में दूसरे फाइल्स को संग्रह नहीं करती बल्कि वह खुद एक फाइल है जो कि दूसरे फाइल्स के आईनोड नंबर और नाम को जमा रखते हैं। वास्तव में लिनक्स में तीन तरह की फाइल्स होती हैं, रेगुलर या ऑर्डिनरी फाइल्स। इसमें अक्षरों की धारा के रूप में डेटा मौजूद रहता है, डायरेक्टरीज जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, डिवाइस फाइल्स, सभी हार्डवेयर उपकरणों और पेरिफेरल्स को लिनक्स में फाइल्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लिनक्स में सभी उपकरण जैसे कि सीडी, हार्ड डिस्क, यहाँ तक कि एक यूएसबी स्टिक, सब कुछ एक फाइल है। लेकिन ऐसा क्यों है? यह इन उपकरणों को साधारण फाइल के जैसे पढ़ने और लिखने में सहायता करती है। लिनक्स में सभी फाइल्स संबंधित हैं। संक्षिप्त में वे भी हमारी तरह ही एक परिवार के रूप में होते हैं। डायरेक्टरी में संग्रहित सभी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज में अभिभावक बच्चों जैसा रिश्ता होगा। यही लिनक्स फाइल सिस्टम ट्री को जन्म देता है। सबसे ऊपर रूट है जिसे फ्रंट स्लैश द्वारा बताया जाता है। इसमें अन्य सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज शामिल हैं। अगर हमें सही पाथ की जानकारी है तो ये हमें एक फाइल या डायरेक्टरी से दूसरे में जाने की सहायता करता है। जैसे कि हम लिनक्स फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम हिस्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक कमांड और आप एक जगह से दूसरे में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। दिलचस्प है ना? सही में ऐसा ही है, जैसे कि हम देखेंगे। अब जब हम लिनक्स फाइल सिस्टम में लॉगिन करते हैं डिफॉल्ट रूप से एक होम डायरेक्टरी में होते हैं। अब टर्मिनल पर चलते हैं। उबंटू में कंट्रोल ऑल्ट टी टर्मिनल को शुरू करने में मदद करता है। हो सकता है यह कमांड सभी यूनिक्स सिस्टम में ना चले। टर्मिनल को ओपन करने के लिए सामान्य प्रक्रिया पहले ही एक दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गई है। होम डायरेक्टरी को देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें एको स्पेस डॉलर HOME कैपिटल में और एंटर प्रेस करें। ये हमारे होम डायरेक्टरी का पाथ नेम देता है। हम एक डायरेक्टरी से दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन किसी एक समय में हम किसी एक ही डायरेक्टरी में रह सकते हैं और उस डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। स्लाइड पर वापस चलते हैं।
ये PWD कमांड हमें करंट डायरेक्टरी को देखने में मदद करता है। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें PWD और एंटर प्रेस करें। अब यह हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। हमने कहा था कि हम एक डायरेक्टरी से दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए हमारे पास सीडी कमांड है। जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हैं उसका पाथ नेम टाइप करने के बाद सीडी कमांड टाइप करें। चलिए हम अपनी करेंट डायरेक्टरी को देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर अब टाइप करते हैं PWD और एंटर प्रेस करें। अब हम इस डायरेक्टरी में हैं। अब मान लीजिए कि हमें /usr डायरेक्टरी में जाना है। उसके लिए टाइप करें cd /usr। याद रखें लिनक्स में स्लैश का मतलब है /front/ और एंटर प्रेस करें। चलिए अब हम अपने करंट डायरेक्टरी को देखते हैं। टाइप करें PWD और एंटर प्रेस करें। हाँ, हम /usr डायरेक्टरी में चले गए हैं। यहाँ मुश्किल ये है कि पाथ नेम्स बहुत लंबे हो सकते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पाथ नेम है जो कि मूल डायरेक्टरी से शुरू करके पूरे पाथ की सूचना देते हैं। इसके बदले में हम रिलेटिव पाथ नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो करंट डायरेक्टरी से शुरू होते हैं। यहाँ हमें दो विशेष कैरेक्टर्स को जानने की आवश्यकता है, डॉट जो करंट डायरेक्टरी को दर्शाता है और डॉट डॉट जो करंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी को दर्शाता है। चलिए अब हम सीडी कमांड पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। किसी भी तर्क के बिना होम डायरेक्टरी पर वापस जाने के लिए कमांड सीडी का इस्तेमाल करते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर टाइप करते हैं सीडी और एंटर प्रेस करते हैं। PWD कमांड से हमारी करंट डायरेक्टरी को देखते हैं। तो हम वापस होम डायरेक्टरी में हैं। /home/muhata। अब म्यूजिक डायरेक्टरी में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd /music m कैपिटल में / और एंटर प्रेस करें। अब PWD कमांड से करंट डायरेक्टरी को चेक करते हैं। PWD और एंटर प्रेस करें। जी हाँ, हम /home/muhata/music डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब म्यूजिक की पेरेंट डायरेक्टरी में चलते हैं। इसके लिए आपको सीडी कमांड के साथ डॉट डॉट का प्रयोग करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd /.. और एंटर प्रेस करें। अब PWD टाइप करके करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम फिर से /home/muhata में हैं। अब डॉट का प्रयोग करके करंट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी यानी उप डायरेक्टरी में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd /.documents /d और एंटर प्रेस करें। PWD टाइप करें और करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम /home/muhata/documents में हैं। मैं Ctrl+L प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। CD कमांड से होम डायरेक्टरी में वापस जाएं। टाइप करें CD और एंटर प्रेस करें। फिर से करंट डायरेक्टरी को चेक करें PWD कमांड टाइप करके। हम /home/muhata में वापस आए हैं। हम एक रिलेटिव पाथ में कई डॉट डॉट को जोड़ सकते हैं जो स्लैश द्वारा अलग किए होते हैं। इस स्लाइड में हम फाइल सिस्टम की हायरार्की यानी अनुक्रम को देख सकते हैं। रूट डायरेक्टरी या स्लैश सबसे ऊपर है। रूट के नीचे दो सब डायरेक्टरीज हैं, होम तथा बिन। यूजर नेम, यहाँ muhata नामक डायरेक्टरी होम के भीतर की एक सब डायरेक्टरी है। तो अब हम /home/muhata में हैं। हम बिन डायरेक्टरी में कैसे जाएं? कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd /.. bin और एंटर प्रेस करें। PWD कमांड से करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम अब /bin पर हैं। पहला डॉट डॉट हमें /home/muhata से /home में ले जाता है। अगला हमें /home से / या root में ले जाता है। अब / या root से हम /bin डायरेक्टरी में आए हैं। अब कमांड cd से होम डायरेक्टरी में वापस जाएं। टाइप करें cd।
एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड का प्रयोग करते हैं। आपको कमांड तथा डायरेक्टरी का नाम जो बनानी है उसे टाइप करें। तो करंट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी बनाई जाएगी। testdir नामक डायरेक्टरी बनाने के लिए यह कमांड टाइप करें, mkdir स्पेस testdir और एंटर प्रेस करें। यह testdir डायरेक्टरी बनाएगा। ध्यान दें कि डायरेक्टरी सफलतापूर्वक बनी है या हटी है, इसकी कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। अगर आपको कोई एरर मैसेज नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि ठीक से निष्पादन हुआ है। ट्री में कहीं भी डायरेक्टरी बनाने के लिए हम रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करने की अनुमति हो तो, तथा उसी नाम की डायरेक्टरी पहले से मौजूद नहीं हो तो। यह प्रक्रिया एकाधिक डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज का अनुक्रम बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। टाइप करें mkdir स्पेस test1 स्पेस test2 और एंटर प्रेस करें। यह वर्तमान डायरेक्टरी में दो डायरेक्टरीज बनाएगा, test1 तथा test2। टाइप करें mkdir स्पेस test3 स्पेस test3/test3। यह testtree डायरेक्टरी बनाएगा और डायरेक्टरी test3 जो कि testtree में एक सब डायरेक्टरी है। तो हमने चार डायरेक्टरीज करंट डायरेक्टरी में बनाई हैं, testdir, test1, test2 और testtree, जिसमें से पहले तीन खाली हैं तथा आखिरी में एक सब डायरेक्टरी है test3। अब स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। mkdir की तरह rmdir एक और कमांड है जो डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें rmdir स्पेस test1 और एंटर प्रेस करें। यह test1 डायरेक्टरी को हटा देगा। आप एक डायरेक्टरी को हटा सकते हैं अगर आप उसके ओनर हो तो, या आपकी करंट डायरेक्टरी उस डायरेक्टरी से ऊपर हो जिससे आप हटाना चाहते हैं, या डायरेक्टरी खाली हो तो। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd स्पेस testtree/test3 और एंटर प्रेस करें। हम अभी test3 डायरेक्टरी में हैं, जो कि testtree में एक सब डायरेक्टरी है। चलिए हम टेस्ट डायरेक्टरी को हटाने की कोशिश करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप कीजिए rmdir स्पेस testdir और एंटर प्रेस करें। हम देख सकते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस डायरेक्टरी को हम हटाना चाहते हैं वो पदानुक्रम से करंट डायरेक्टरी के ऊपर नहीं है। तो हमें उस डायरेक्टरी पर जाना है जो पदानुक्रम से testdir डायरेक्टरी के ऊपर है। टाइप करें cd स्पेस .. और एंटर प्रेस करें। अब cd स्पेस .. यह कमांड टाइप करके पेरेंट डायरेक्टरी पर वापस जाएं। अब फिर से पिछले कमांड की कोशिश करते हैं। टाइप करें rmdir स्पेस testdir और एंटर प्रेस करें। testdir डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। ध्यान दें कि testdir डायरेकटरी खाली भी थी। एकाधिक डायरेक्टरीज या डायरेक्टरीज के अनुक्रम को एक ही बार में नहीं हटा सकते, तो testtree डायरेक्टरी को उसके सब डायरेक्टरी test3 के साथ डिलीट करने की कोशिश करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें rmdir स्पेस testtree स्पेस testtree/test3 और एंटर प्रेस करें। देखिए ये एक एरर मैसेज देगा कि testtree डायरेक्टरी को हटा नहीं सकते क्योंकि यह खाली नहीं है। लेकिन हम एक चीज जो भूल रहे हैं कि testtree/test3 डिलीट हुई है क्योंकि वह खाली थी। उसे चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करें cd स्पेस testtree और एंटर प्रेस करें। अब टाइप करें ls और एंटर प्रेस करें। देखिए कि अब डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, तो test3 डिलीट हुई है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फाइल्स और डायरेक्टरीज के बारे में जाना और लिनक्स डायरेक्टरीज में कैसे काम किया जाता है यह भी जाना, उनको देखना, उनके बीच चलना, उनको बनाना और हटाना। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए